राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आज दुनिया कई मोर्चों पर अस्तित्व के संकट का कर रही है सामना, लेकिन बौद्ध समुदाय के पास मानव जाति को देने के लिए बहुत कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कनाडा में हिंदू मंदिर में हुई हिंसा की कड़ी निंदा। सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा सरकार से मामले में न्याय सुनिश्चित करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में भारत ब्रांड चावल व आटा योजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। भारत ब्रांड आटा 30 रुपए प्रति किलो व चावल 34 रुपए प्रति किलो के मूल्य पर है उपलब्ध। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की विस्तृत संवैधानिक की व्याख्या। अधिनियम के अनुसार सरकार को शैक्षिक मानक निर्धारित करने का होगा अधिकार। जानी मानी गायिका शारदा सिन्हा नई दिल्ली के एम्स में भर्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। नेपाल में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर। काठमांडू सहित कई इलाकों के तटीय इलाकों में प्रशासनिक तैयारियां पूरी। सरकार ने की अवकाश की घोषणा। बांग्लादेश के ढाका हवाई अड्डे का रनवे एक सप्ताह तक रहेगा बंद। तकनीकी खामियों के कारण सभी हवाई सेवाएं होंगी प्रभावित। चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का दूसरा संस्करण अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में हुआ शुरू। प्रतियोगिता में खेले जाएंगे 7 राउंड। 2729 होगी औसत रेटिंग। ऋत्विक चौधरी व फ्रांसिस्को के कैब्राल की जोड़ी मोसेले ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में मेक्सिको के सेंटियागो गोंजालेस व फ्रांस के एडोर्ड रोजर वैसेलिन की जोड़ी से होगा मुकाबला।